ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। दुनिया के महान दार्शनिक व चिंतकों में से एक, जिसका आज भी पूरे विश्व में लोहा माना जाता है, ऐसे महान विचारक कार्ल मार्क्स की 202वीं जयंती केलारस में मनाई गई। इस मौके पर स्थानीय माकपा कार्यालय में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया। सबसे पहले माकपा राज्य सचिव मंडल सदस्य अशोक तिवारी ने माल्यार्पण कर मार्क्स के बारे में जानकारी रखी। उन्होंने बताया कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी में हुआ था। उन्हें दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति, कला, विज्ञान सहित सभी क्षेत्रों में महारत हासिल थी। उन्होंने दुनिया में पहली बार परिवर्तन के नियम प्रस्तुत किए, जिनका आज तक किसी दार्शनिक द्वारा खंडन नहीं किया जा सका है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन भी उनसे प्रेरित रहा। ऐसे महान चिंतक व दार्शनिक की जयंती हम केवल औपचारिकता के लिए नहीं मना रहे हैं, बल्कि समाज परिवर्तन की लड़ाई को आगे बढ़ाने का संकल्प लेने के लिए हम कटिबद्ध हैं। हमें इस दिशा में आगे जाना है, उन्होंने कहा। मार्क्स के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। 202 साल बाद भी मार्क्स नॉट आउट हैं, बल्कि आज के दौर में उनकी प्रासंगिकता और बड़ी है। उनके अलावा माकपा जिला सचिव दयाराम सिंह धाकड़, नगर सचिव महेश प्रजापति, पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता, सिंचाई अध्यक्ष रामलखन सिंह, स्टूडेंट्स फेडरेशन के प्रांतीय सचिव राजवीर सिंह, कन्हैया लाल आदि ने अपने विचार प्रस्तुत किए। प्राइम न्यूज 24 के लिए जितेंद्र तिवारी की रिपोर्ट।